बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिज्ज़ व अमान में रखे और सबके दस्तरखानों में बरकत दे। और मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों में रमज़ान के महीने में बरकतें अता फरमाए और हमारी बातें अल्लाह ताला कबूल फरमाए। व्यूअर्स, रमज़ान के हवाले से आज मैं आपको ये कीमा समोसा बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही ईजी। ये देखें, जब मैं चिकन का कीमा लिया है तकरीबन 250 ग्राम है और इतना ही मैंने प्याज लिया है। हम लोग अक्सर जब बाहर से खाते हैं समोसे वगैरह, तो उनका थोड़ा सा प्याज कच्चा कच्चा होता है। अगर कभी की खाया हो तो वो प्याज को वो बहुत ज़्यादा नहीं पकाते हैं, थोड़ा सा क्रंच क्रंच होता है उनके समोसों में। ये हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक है, ये मैंने गट्ठा ही पीस लिया है। उस जो मेन जो समोसे की पट्टियाँ व्यूअर्स, इनको हमेशा आप निकाल के फ्रीज़र से तो रूम टेम्परेचर पर रख दिया करें। तो जब तक ये 1-2 घंटे रूम टेम्परेचर पे आती हैं तो इनका ये पट्टियाँ हमें खोलने में आसानी होती है। ठीक है, इसको ऐसे ही रख देना आपने ताकि हमें खोलने में आसानी हो। तो बाकी जो सारे स्पाइसेस हैं मैं साथ साथ डालती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी। तो फिर आए रेसिपी की तरफ आते हैं। तकरीबन मैंने 1 टीस्पून के करीब डाला है। अब मैं कीमा डाल दूंगी। थोड़ा सा मैं प्याज डाल दूंगी, बाकी प्याज में बाद में डालूंगी। थोड़ा सा कच्चा प्याज रखूंगी थोड़ा सा मैं। ठीक है, तो अब इसको इसके साथ अच्छी तरीके से बस, जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। इसको हम लोग दरमियानी आँच पे रख के तो कीमे को अच्छी तरह भूनेंगे। तो फिर इसके बाद मैं इसमें सारे स्पाइसेस डालूंगी। ये देखा भी वो सारे ये स्पाइसेस जो मैं इसके अंदर डालूंगी, ये क्रश चिल्ली है ये 1/2 टीस्पून है, ये हल्दी पाउडर है ये भी 1/2 टीस्पून है। ये मैंने इसलिए 1/2 टीस्पून लिया है कि जो चिकन का कीमा होता है ये काफ़ी वाइट वाइट होता है। ठीक है, और ये ब्लैक पेपर है ये भी मैंने 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून से भी मैंने कम लिया है। और रेड चिल्ली है ये भी मैंने, ये देखा है, 1/2 टीस्पून से कम ही लिया है मैंने। मिर्ची वगैरह आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। ज़ीरा लिया है भुना हुआ मैंने 1 टीस्पून लिया। सूखा धनिया ये भी मैंने 1 टीस्पून लिया। नमक मैंने 1 टीस्पून भर के लिया है। और प्याज ये व्यूअर्स, ये मैंने आपको बताया था कि मैं बाद में डालूंगी, ये अभी इन मसालों के साथ ये मैं प्याज डालूंगी। और चिकन देखें, चिकन में कलर आ चुका है। अब इस स्टेज पे इसमें मैं सारे स्पाइसेस डाल दूंगी। ये देखें, ये सारी मैंने डाल दी एक साथ ही। और ये जो प्याज है ये भी चाहिए इसके अंदर डाल दें और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है।
बनाना है ये ऐसे ऐसे, उसको ऐसे मोड़ना है। ये देखें, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब डालना है आपने इस कीमे को, और ऊपर से यूं प्रेस कर देना है। ये जो मैंने लेई बनाई है, इसको ऐसे ऐसे करना आपने, और इसको ऐसे एक किनारों को आपने बीमस दबाना है ऐसे करके, ताकि समोसे खुले ना। ठीक है, और